मैं बोलो मेरी वजह से नोट करो। सब लोग अंदर आ जाए गाड़ियों की दौड़कर, सब लोग अंदर आ जाए टोपी लगाए, बिना टोपी वाला कोई आदमी ना दिखा दे मेरे कुल में। समाज के सम्मान में सब लोग नीचे बैठ जाए। प्रजापति समाज आज इस सभा में उपस्थित पूरे प्रदेश के प्रजापति समाज अपनी ओजस्वी वाणी से प्रजापति समाज का मार्गदर्शन का काम करें। जोरदार तालियों के साथ राजवीर प्रजापति जी का स्वागत। प्रजापति समाज के हम यही लौटेंगे गधे घोड़ों के साथ। आज तो कम है, अगर आपने नहीं सुनी आज तो आज तो कम है, इससे कई गुना कल होंगे। ध्यान रखना अपने दिमाग में डाल लें, दिमाग हल्का कर लें बिल्कुल याद करके। दिल से अभिनंदन करता हूं और प्रजापति समाज की जो पांच मांगे हैं मैं उन पे गौर करवाना चाहता हूं। पहली तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे हिंदुस्तान तो क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर एक जाट समाज से दारा सिंह नाम सुना हो कभी? रुस्तम हिंद दारा सिंह या तो जाट समाज में पैदा हुआ थे या आज हमारे समाज में दारा सिंह प्रजापति पैदा हैं, जिन्होंने अपने ओजस्वी और तेजस्वी वाणी। दारा सिंह प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष प्रजापति महासंघ उत्तर प्रदेश। आज कमिश्नरी का घेराव किया क्या इसकी? आज कमिश्नरी का घेराव, हम लगातार 30 सालों से अनुसूचित जाति की मांग कर रहे हैं कि हमारी हिस्सेदारी तय करे केंद्र और प्रदेश सरकार। लगातार 30 सालों से हम ये धंधा प्रदर्शन करते रहे, दिल्ली मेरठ कहीं भी। आज हमारी जो 85% जनसंख्या गांव में रहती है वो नौकरी में शून्य है, वो पढ़ाई में शून्य है, वो हमारी राजनीति में जीरो है। तो हम भी चाहते हैं कहीं ना कहीं हमारी हिस्सेदारी इस हिंदुस्तान में, इस उत्तर प्रदेश में हमारी सुनिश्चित की जाए। और प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि हमने आपको 99% वोट देने का काम किया, हमारा 1% भी आपने हिस्सेदारी दी हो। और आने वाले चुनाव में इन्हें बता देना चाहते हैं कि हम दिल्ली भी घेराव करेंगे, अभी चुनाव से पहले लखनऊ भी घेराव करेंगे और ये बताएंगे प्रजापति समाज के लोगों कि आपने 30% वोट दिया, आपकी हिस्सेदारी इन्होंने गायब कर दी। अभी हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी तो इन्होंने ये कहा था, हमारे प्रमाण पत्र शिल्पकार जाति के बनने वाले थे, इन्होंने वे खत्म किए, 40 दिन तक को जवाब दे दिया। तो हम चाहते हैं कि या तो चुनाव से पहले हमारे सर्टिफिकेट बनाए जाए, वरना हम भी आने वाले, जिस तरह से हमने 99% वोट दिया इस पार्टी को, बीजेपी को, हम हराने का काम करेगा और यह घोषणा करके जाएंगे कि एक भी वोट नहीं देंगे।